वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों दिस इज द प्रीवियस ईयर सीरीज। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस के लिए, सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से पार्ट 4 प्रोवाइड कर चुका हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। और टोटल मैंने अभी तक इस पे 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कम्प्लीट करा चुका हूँ। ये जो टॉपिक है इससे मैं टोटल 340 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 to 60। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कौन सी वीडियो आपको कब मिलेगी। चलिए, और जब भी आप वीडियो देखो ना यार, लाइक जरूर कर दिया करो। देखिए मैं आपको बता दूं, जो पास्ट वीडियो था ना उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा। प्लीज आप लोग जितनी ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे ना, उतनी ही ज्यादा मैं आपको कंटिन्यूअस वीडियो देने वाला हूं। देखिए कल मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किया, तो आप उसकी रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए ना। जैसे देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि जितना ज्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, क्योंकि यहां पे मैं आपको वो चीजें दे रहा हूं। ऐसा नहीं दे रहा हूं कि ये 10 क्वेश्चन कर लो पछताओगे, ये सब चीजें आपको एक सिक्वेंस दे रहा हूं। देखिए ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, नंबर सिस्टम मैंने 413 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 35 वीडियो में। परसेंटेज भी कंप्लीट हो चुका है, टोटल 314 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया हूं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 25 में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, टोटल 268 क्वेश्चन कराया हूं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 27 में, और ये पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें क्या है, सीजीएल प्री मेंस के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, सीपीओ प्री मेंस के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, सीएचएसएल और एमटीएस, यानी जितने भी एसएससी एग्जाम्स के होते हैं सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं। इस वीडियो का भी टारगेट है यार 500 लाइक का। और अगेन आपको एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जितनी ज्यादा आप शेयर करोगे उतनी कंटिन्यू वीडियो आपको मिलती रहेगी। आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आपको मैं सेशन देता रहूंगा। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हो पाए थे, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम एक ऐप से आप क्या करो, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लो, उस पर अकाउंट बनाओ, उसके बाद जो मैं लिंक दिया हूँ कमेंट्स बॉक्स में उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको उसमें भी ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप टेलीग्राम ऐप्स ओपन कीजिए और सर्च कीजिए 7300 प्लस मैथ, वहां से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, मैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, क्या कहा गया है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ ही हैड बीन सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25%, इट वुड हैव फेस्ड RS 35 रुपीज मोर द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज। देखिए यहाँ पे हम दो तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। कहा जा रहा है कि अगर वो आर्टिकल को सोल्ड करता है तो 20% का क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। इसको हम लाइन पे इस तरह से कर रहे हैं। देखिए दूसरी बार अगर उसको क्या कर रहा है, 25% पे बेचता, अब वो प्रॉफिट बढ़ा के 25% पे बेचता तो उसको कितने का फायदा होता, उसको कितना रुपया ज्यादा मिलता, 35 रुपी। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है, 5 का, यानी 5% का, और एक्चुअल रुपये में कितने का डिफरेंस है, 35 रुपीज का। और हमसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस होता क्या है अपने आप में, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया, 700 रुपीज। कॉस्ट प्राइस पता चल गया कि उस आर्टिकल का कितना था, 700 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा और बेसिक मेथड से भी करना तो आप कर सकते हो। देखिए ध्यान से, लेट सपोज सीपी क्या है, 100 यूनिट, तो 20 रुपए का प्रॉफिट कितना है, 20%, यानी 100 का 20%, यानी 20 रुपया। तो बेचा कितने में गया होगा, 120 में। यहां तक पता चल गया। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, पहले वाला सीपी। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, अब इसको 20% पे ना बेच करके इसको कितने पे बेचा जा रहा है, 25% के प्रॉफिट पे, यानी 25 रुपया का फायदा पे बेचा जा रहा है, यानी 125%, यानी ये क्या हो गया, दूसरा सेलिंग प्राइस। और दोनों के बीच का ही तो दिया गया है ना, कि मोर और लेस वर्ड मैं हमेशा बताता हूं, दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस। तो दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है क्वेश्चन में, 35 रुपीज की। हमने कॉस्ट प्राइस कितना माना है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखिए यहाँ पे कितना गुना हुआ, 20 गुना। तो यहाँ भी 20 गुना कर लें तो कितना हो जाएगा, 700। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रॉन्ग बनते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन मैथ के बना सकते हो इजी वे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और सारे क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52, ए मैन गेन्स 20
% by selling an article of a certain price. If he sell at double price, the percentage of profit is. देखिए ये क्वेश्चन कहा जा रहा है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पे आते हैं हम, देखिए क्या दिया गया है कि क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गेन हो रहा है 20% का. लेट सपोज कॉस्ट प्राइस मैं मान लेता हूं 100 यूनिट, गेन हुआ 100 का 20%, यानी 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ. तो बेचने वाला प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120. अब आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इफ द सेल इट एज डबल, अब कहा जा रहा है कि सेल को डबल करना है सेलिंग प्राइस को, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 240 रुपया, यानी नया न्यू एसपी आ गया सेलिंग प्राइस इतना. अब कहा जा रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है हमेशा एसपी माइनस सीपी, कितने में खरीदा था 100 रुपए में, बेचा फाइनली कितने में 240, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ 240 माइनस 100, डायरेक्टली हम लिख सकते थे 140, लेकिन मैंने फिर भी आपको दिखा दिया. प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 140 का. हमेशा प्रॉफिट किस पे निकलता है, अगर क्वेश्चन में कंडीशन ना दिया हो तो कॉस्ट प्राइस पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे. जब तक कि वो ना बोल दे कि सेलिंग प्राइस पे हमारा प्रॉफिट लेना है, तब तक हम कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं. और परसेंटेज में करने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई. ये जो 100 लिया, ये क्या लिया, कॉस्ट प्राइस, कितना हो गया 140% का क्या हो गया प्रॉफिट. तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53. ए रेडियो इज सोल्ड फॉर 900 रुपीज एट द प्रॉफिट ऑफ 10%. व्हाट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस इफ ही हैड सोल्ड फॉर 890. देखिए इसको दो तीन तरह से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले देखिए, हम कॉस्ट प्राइस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का. 10% का मतलब क्या होता है 1/10, प्रॉफिट का मतलब प्लस, यानी बेचा कितने में गया होगा 11/10, और वो बेची हुई क्वांटिटी कितनी है 910. या तो आप ऐसे भी कर सकते हो यार, कॉस्ट प्राइस 10% का प्रॉफिट, यानी 110/100 = 900 लिखते तो भी तो आप 11/10 ही लिखते. तो या तो आप डायरेक्टली यहाँ ये लिख लो, नहीं समझ में आता तो ये लिख लीजिएगा. अब देखिए ध्यान से, यहाँ से कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी 90, यानी सीपी कितना हो गया 900. अब क्या है, अब बेच, उसको बेच क्या रहा है 890 में, सेलिंग प्राइस कितनी है 890. तो बताओ कि प्रॉफिट होगा कि लॉस, खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, यानी लॉस हुआ. लॉस कितने का हुआ 10 रुपए का. किस पे लॉस हुआ 900 पे. हमसे देखिए क्या पूछा गया था, पहले लॉस परसेंट नहीं, लॉस ही पूछा गया, कितने का लॉस हुआ भाई 10 रुपए का. बस आंसर कौन सा हो जाएगा, लॉस 10 रुपए का. तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो एक तो रहा ये बेसिक अप्रोच, अगर आपको रेशियो अप्रोच से करना है तो आप उससे भी कर सकते हैं. किस तरह से, देखिए ध्यान से, 10% की वैल्यू क्या होती है, प्रॉफिट था 1/10, प्रॉफिट का मतलब प्लस. ये क्या होता है सीपी, अगर कंडीशन नहीं दिया है तो ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है सीपी. 10 यूनिट सीपी, 1 यूनिट का प्रॉफिट, यानी बेचा गया कितने में होगा 11 यूनिट में. अब क्वेश्चन देखिए, बेची गई क्वांटिटी, बेची गई वैल्यू कितनी है 990, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई 990, यानी कितना गुना 90 गुना. तो इधर भी 90 गुना कर लूं तो कितना हो गया सीपी 900. हमारे पास सीपी मिल गया कितना है 900, और हमारे पास सेलिंग प्राइस नई दी गई है कितना 890. तो कितने यूनिट का लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ 10 रुपए का. आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54. देखिए क्या दिया गया है, ए मैन गेट्स 13 रुपीज मोर सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ इतना देन सेलिंग प्राइस एट ए लॉस ऑफ इतना. कहा जा रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल. देखिए ध्यान से क्या गया है कि अगर वो 12.5% के प्रॉफिट पे बेचने के बजाय 12.5% के लॉस पे बेचे, तो अगर वो 12.5% के लॉस में बेचने के बजाय, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर वो 12.5% के प्रॉफिट में बेचता है तो उसको 13 रुपया अधिक मिलता है. अब बताओ, एक चीज बताओ, आप खुद सोचो, 13 रुपया अधिक मिल रखा है कब, जब दोनों देखिए लॉस में 12.5%, ये क्या है लॉस. लॉस क्या दिखा रहा है, निगेटिव परसेंटेज क्या है लॉस, यानी निगेटिव शो कर रहा है. और 12.5% का क्या हो रहा है, फायदा पे बेचना है, इसकी वजह से उसको क्या मिल रहा है 13 रुपए ज्यादा मिल रहा है. अब देखिए, मैंने हमेशा बताया हूं कि अगर कोई क्वांटिटी मोर और लेस कहे, यानी कि दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस, तो दोनों क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा,
डिफरेंस ये लॉस है, लॉस से पहले अपने आप पे आएगा, यानी प्रॉफिट और लॉस नहीं होना चाहिए, उसके बाद वो प्रॉफिट कमाएगा। यानी डिफरेंस कितना क्या हो गया, 12 और 12 24 और हाफ और हाफ 25, 25% का डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच। और उसकी वैल्यू कितने रुपए के बराबर दी गई है, 13 रुपए के बराबर। कॉस्ट प्राइस कितना होता है अपने आप में, 100%। ये इधर चार गुना हुआ तो इधर भी चार गुना कर लें, यानी कितना कॉस्ट प्राइस हो गया, 52 रुपए। बस आंसर आ जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप इसको क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करना चाहते हो तो वो भी एक और मेथड बता देता हूं, देखिए ध्यान से। लेट सपोज, देखिए आपको 12.5% की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1/8 परसेंटेज पढ़ चुके हैं। तो जो नीचे वाली क्वांटिटी है ना उसको मान लो कि सीपी 8 यूनिट है। देखो ध्यान से, 8 यूनिट सीपी है तो एक पे क्या हो रहा है, एक पे क्या हो रहा है प्रॉफिट, यानी कि अब देखो ये क्या शो करता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट शो कर रहा है एक यूनिट बढ़ना, यानी कितना का हो गया, 9, एक यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरी बार में क्या हो रहा है, 12.5% का लॉस, 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/8, यानी एक यूनिट का लॉस, यानी कितना हो गया, 7, एक यूनिट का लॉस, यानी 7 में बेचा गया होगा। यही चीजें हैं। अब दोनों के बीच का डिफरेंस 2 यूनिट का, और वो क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 13 रुपए का। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13/2 आरएस। हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13/2 × 8, दैट मींस कितना हो गया, ये 4, और ये क्या हो गया, 52। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते थे आप। ठीक है, तो क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, किसी भी फॉर्म में जा सकते हो आप। अब देखिए, माइंड में कुछ लोगों को ये भी बैठता होगा कि यहाँ पे 1 कैसे ऐड कर दिया मैंने, तो देखो यार निकाल लो, देखो 8 का 1/8 निकालोगे, 8 का 1/8 तो कितना होगा, 1 रुपया बढ़ रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है, तो एक यूनिट बढ़ गया। यहाँ पे 8 का कॉस्ट प्राइस 8 है, उसका इतना 1/8 लॉस हो रहा था, यानी एक यूनिट का लॉस हो रहा था, तो हमने 7 लिख दिया। तो आपको क्वेश्चन करने का तरीका कुछ भी पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, लेकिन आप कॉन्सेप्चुअल वे से जा रहे हो तो। अब ऐसा नहीं कि गलत तरीका यूज करोगे तो आप क्वेश्चन बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। द परसेंटेज ऑफ लॉस व्हेन एन आर्टिकल सोल्ड 50, देखिए कहा जा रहा है द परसेंटेज लॉस व्हेन आर्टिकल सोल्ड एट 50 रुपीज इज द सेम एज द प्रॉफिट व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट 70 रुपीज। द एबव मेंशन्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द आर्टिकल इज, देखिए हिंदी में भी एक बार समझा देता हूँ। 50 रुपए की वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत की हानि होती है जितनी प्रतिशत की 70 रुपए पे बेचने पे होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको, देखिए ध्यान से। आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि अगर उस आर्टिकल को मैं 50 रुपए में बेचता हूं तो उससे जो परसेंटेज लॉस हुआ अगर वो इक्वल है, अगर उस आर्टिकल को मैं 70 रुपए में बेचता हूं तो प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। तो देखिए ध्यान से, पहला चीज आपको समझ में आना चाहिए, लॉस परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट हो रहा है। कब हो रहा है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि लॉस कब हो रहा है, जब 50 रुपए का बेचा जाए, 50 रुपए का बेचा जाए, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। मान लेते हैं सीपी इतना है, एसपी कितना है इस टाइम, 50 अपॉन ये लॉस हुआ, लॉस के बाद क्या होता है, परसेंट, लॉस परसेंट डिवाइड करते हैं सीपी और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100। जैसे लॉस परसेंट क्या होता है भाई, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही तो होता है। तो लॉस, लॉस क्या होता है, लॉस सीपी माइनस एसपी, और प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, वही चीज लिख रहा हूं मैं। तो सीपी माइनस एसपी लॉस हुआ, लॉस परसेंट में चेंज कर दिया, इधर प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कब हो रहा है, जब 70 रुपए में बेच रहा है, यानी कि एसपी 70 है माइनस सीपी, बेचेगा तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, अपॉन क्या करेंगे, सीपी इंटू क्या, 100। यही तो हो रहा था, जब 50 रुपए में बेच रहा है तो लॉस परसेंट हो रहा है, और जब 70 रुपए में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट हो रहा है। बस कैंसिल करें, सीपी से सीपी कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, ये क्या हो गया, सीपी माइनस 50 इक्वल टू 17 माइनस सीपी। तो सीपी क्या हो जाएगा, 2 सीपी इक्वल टू 50 प्लस 70, तो सीपी इक्वल टू 120 अपॉन 2, सीपी कितना हो गया, 60। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है परसेंटेज और परसेंटेज और क्या निकालना है, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। तो अब देखो ध्यान से, सीपी 60 है और बेच कितने में रहा था स्टार्टिंग में, 50, एसपी 50, कितने यूनिट का लॉस हुआ, 10 यूनिट का। परसेंटेज में हमें चाहिए तो 10 अपॉन किस पे होता है लॉस और प्रॉफिट, सीपी पे,
इनटू क्या 100 परसेंटेज में करने के लिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी छोड़ दो, इतना नहीं करने की जरूरत। देखिए ध्यान से, मैं इसको क्या करता हूं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आपके माइंड में होना चाहिए क्योंकि आप परसेंटेज पढ़ चुके हैं, 1/6 का मतलब होता है 16.66% या 16 सही 2/3%, तो ये कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से आप कर सकते हो। दूसरा चीज देखिए, बहुत सारे वे होते हैं, अगर मैं कॉन्सेप्चुअल की बात करूं तो हमने किया क्या, देखिए ध्यान से, हमने किया क्या, लास्ट में आया 2CP इज इक्वल टू इतना, और CP हमने क्या किया, इन दोनों का एवरेज ले लिया। तो देखिए, अब डायरेक्टली अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं तो अगर बोला जाता है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल है, और कब, जब एक पे बेचने पे और एक दूसरे वाले पे बेचने पे एक बार प्रॉफिट हो रहा है एक बार लॉस, तो उस टाइम सीपी निकालने के लिए हम निकाल देते हैं एवरेज ऑफ टू सेलिंग प्राइस टू सीपी, यानी सीपी इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज, एवरेज कितना है 50, एक बार SP1, अब मैं इसको लिख सकता हूं SP1 प्लस SP2 अपॉन क्या 2, तो 50 और प्लस 70 अपॉन 2, डेट मीन्स कितना हो जाएगा 120 अपॉन 2। डायरेक्टली आप 60 ला सकते थे, लेकिन एक्चुअल चीजें थी मैं जो ने जो आपको समझा दिया, अगर आप एवरेज की कॉन्सेप्ट पढ़े होते तो आप डायरेक्टली यहां पे मूव करते। ठीक है, अब सीपी 60 आ गया और सेलिंग प्राइस उस टाइम कितना था 50 रुपए, तो लॉस कितने का होगा 10 रुपए का, किस पे लॉस होता है सीपी पे, इनटू परसेंटेज में करने के लिए 100। जैसे ही 1/6 देखे, डायरेक्टली आपके माइंड में होना चाहिए 16.66%, या तो इस फॉर्म में आंसर दिया होता या तो इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो करने का तरीका आना चाहिए, अगर मैं होता तो डायरेक्टली ये करता, लेकिन अगर एक्चुअल मेथड जानना है तो वो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी लगा सकते थे, चलो मैं एक बार समझा ही देता हूं, इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन भी लगा सकते थे। जो लोग मेरे 70 डेज कोर्स देखे होंगे उनको पता होगा। देखिए ध्यान से, आप खुद सोचिए, एक बार सेलिंग प्राइस कितनी है 50 रुपए, देखिए यहां पे एक बार सेलिंग प्राइस कितनी है 50 रुपए, दूसरे बार सेलिंग प्राइस कितनी है 70 रुपए, और दोनों को कहा जा रहा है, दोनों को बेचने पे प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या हो रहा है सेम, यानी प्रॉफिट और लॉस परसेंट सेम का मतलब क्या है, दोनों का रेशियो 1:1 है, इक्वल है ना, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल है, तो 1:1। अब देखिए ध्यान से, अब इसको किस तरह से हम करते हैं, इन दोनों का यहाँ पे जो बीच वाली क्वांटिटी आएगी ये आएगी कॉस्ट प्राइस की, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, अगर बीच वाला निकालना है तो कितना हो गया 20, और इधर इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 2, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी ये भी 10 के बराबर है और ये भी 10 के बराबर है। एलिगेशन का रूल क्या है कि यहाँ पे इसमें से घटेगा तो ये वाला रिजल्ट आता है, और इसमें से ये घटेगा तो ये रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या रखना पड़ेगा 60, तो 70 - 10 कितना हो गया 60, और 60 - 50 कितना हो गया 10, यानी सीपी हमारा पता चल गया कितना है 60, एसपी कितना था 50, तो लॉस कितने का हुआ 10 का, किस पे सीपी पे, परसेंटेज में करने के लिए क्या करें 100 से मल्टीप्लाई, जैसे ही देखे 1/6, डेट मीन्स क्या कर सकते थे 16 सही 2/3%, तो ये एक एलिगेशन भी यूज कर सकते थे। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि क्वेश्चन को किस तरह से बनाना होता है, आप ए लॉट ऑफ थिंग्स, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप क्वेश्चन को किसी वे से भी जा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मूव करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्या कहा जा रहा है, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% लॉस, इफ ही हैड सोल्ड इट 10 रुपीज मोर ही वुड गेन 10% द कॉस्ट प्राइस। अब देखिए वही एक लाइन बनाना है, कहा जा रहा है पहले बेच रहा है तो 10% का क्या हो रहा है लॉस, 10% का क्या हो रहा है लॉस। आगे बढ़ते हैं, अगर उसको फिर 10% का क्या बेचना है, 10 रुपए ज्यादा कमाने हैं तो उसको 10% का क्या करना है प्रॉफिट करना है। तो अब देखो मैंने हमेशा बताया कि कोई भी क्वांटिटी मोर या वर्ड या लेस वर्ड दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है 20% का है, क्योंकि ये लॉस था प्रॉफिट नहीं था, तो क्या करोगे 10 - -10 यानी 20% आ जाएगा, और 20% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है 10 रुपए के बराबर, कॉस्ट प्राइस क्या होता है अपने आप में 100%, इसका 5 गुना कर लें तो इधर भी 5 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो गया कॉस्ट प्राइस 50 रुपए,
तो आप यहां से भी आंसर पहुंच सकते थे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाना है तो बेसिक से बना लीजिए, आपकी मर्जी है। देखिए कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 यूनिट, पहली बार 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है यानी कितने में बेचा गया, 10% का लॉस मतलब 10 रुपया कम में यानी 90 यूनिट में बेचा गया, ये SP1 हो गया। दूसरे केस में क्या है, 10% का प्रॉफिट कमाना है, 100 का 10% कितना होता है 10 यूनिट यानी 110 हो गया, ये SP2 हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 20 यूनिट, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में 10 रुपए के बराबर, हमारा सीपी क्या है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इधर से ये 5 गुना है तो इधर भी 5 गुना कर लें यानी 50 रुपया हो गया। तो इट्स योर चॉइस कि आपको कौन से मेथड से जाना है, ये रहा परसेंटेज मेथड और ये रहा आपको बेसिक अप्रोच बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ लोग इसको और अगर आप ये भी चाहते हो कि रेशियो मेथड से बता दूं तो लो जी रेशियो मेथड से भी बता देता हूं। देखिए ध्यान से, पहले क्या हो रहा है 10% का लॉस, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, लॉस का मतलब माइनस यानी सीपी 10 रुपया था तो एसपी 1 रुपया कम यानी 9। दूसरे बार क्या हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया 1/10 यानी प्रॉफिट का मतलब प्लस यानी 10 से क्या हो गया 11। अब आपके माइंड में देखिए हमेशा हम चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया गया है 10 रुपए मोर, यानी दोनों के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस दी गई है 10 रुपए की, तो हम क्या करेंगे सीपी को हमेशा ऐसे केस में क्या करेंगे सेम, और इस क्वेश्चन में बाय द वे सीपी क्या है सेम ही है दोनों जगह, नहीं होता तो हम सेम बनाते। तो अब देखिए सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने यूनिट की है 2 यूनिट की, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 10 रुपए के बराबर है, और हमसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी सॉरी फॉर डेट, 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए के बराबर, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 × 5 दैट मीन्स 50 रुपए के बराबर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है, इफ ए मैन वेयर टू सेल ही चेयर फॉर 720 रुपीज, इफ ही वुड लॉस 20% टू गेन 20% शुड ही शुड सेल इट फॉर। क्वेश्चन कहा गया यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है, तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। बस ये जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, 25% का लॉस, 25% का लॉस हो रहा है यानी वो बेचा कितने में 75% के में, और एक्चुअल में बेच कितना में रहा था 720। अब आगे क्या कहा जा रहा है, उसको कमाना है 25% का गेन, तो 25% का गेन यानी बेचना कितने पड़ेगा 125% की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, देखो 75% की अगर वैल्यू अगर 720 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 720/75, हमें कितनी परसेंट की वैल्यू निकालनी है 125% की, 720/75 × 125 कितना हो गया 25 × 75 25 × 5 125 3 × 24 तो 24 × 5 कितना होता है 120 और 10 1200 रुपए, यानी 1200 रुपए में उसका नया सेलिंग प्राइस है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को चाहते हो कि आप रेशियो मेथड से बता दूं तो लो जी उसमें भी कोई बात नहीं है, 25% का मतलब क्या होता है 1/4 और लॉस हो रहा है यानी माइनस, सीपी पहले रहा था 4, 1 का लॉस हो गया यानी एसपी बेचा कितने में होगा 3, 3 की वैल्यू बेचने वाली प्राइस कितनी दी रखी है 720, कितना गुना 240 गुना, तो इधर भी 240 गुना करूं 24 × 4 कितना होता है 960 रुपए। अब देखिए 960 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या कमाना है उसको 25% का प्रॉफिट, 25% की वैल्यू 1/4, प्रॉफिट मतलब प्लस सीपी और एसपी, सीपी 4 यूनिट, 1 यूनिट का प्रॉफिट यानी 5, अब सीपी की वैल्यू कितनी दी गई है 960, 960 कितना गुना 224 गुना, क्योंकि 24 × 4 होता है 96, ठीक है, तो इधर भी 240 गुना कर लूं 24 × 5 होता है 120, 1200 रुपए, तो यहां से भी आपका सेलिंग प्राइस नया कितना आ गया 1200। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा मेथड पे जाते हो, अगर परसेंटेज मेथड से जाना है तो ये रहा, रेशियो मेथड से जाना है तो इस तरह से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑफ वेरिएशन यू कैन यूज इट, बट क्वेश्चन दोनों वे से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेशन क्या दिया गया, आप ध्यान से देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मेशन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 58, ए बुक सेलर सेल ए बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, ही इफ ही हैड बॉट 4% लेस एंड सोल्ड 6 मोर ही वुड गेन इतना परसेंट देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज। कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से, एक बार हिंदी में भी समझा देता हूं। एक पुस्तक विक्रेता को 10% पर लाभ पर बेचता है, यदि वह उस किताब को 4% कम मूल्य पे खरीदता और 6 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे इतना का लाभ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, मैं आपको बता रहा हूं। आप देखो ध्यान से, पहले 10% का क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ए पर्सन सेल्स ए बुक एट ए 10% प्रॉफिट। लेट सपोज सीपी क्या था 100, तो 100 का 10% प्रॉफिट यानी 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी क्या रह गया 110। अब आगे पे बढ़ते हैं, इफ ही हैड बॉट 4% लेस, अगर वो 4% लेस में लाया होता यानी 100 का 4% यानी -4 रुपया, 4 रुपए लेस में लाया होता यानी कितने में लाया होता 96 में, तो उसको क्या उस टाइम होता 6 रुपया ज्यादा मिलता एज कंपेयर टू प्रीवियस, और उसको कितने का गेन होता इतने का। मैं पहले इसको ब्रेक कर रहा हूँ, 18 से ही इतना परसेंट, 18 × 72 = 75/4%। अगर इसका क्या होता उसको प्रॉफिट, तो मैं पहले निकाल लूं 96 का कितना, क्योंकि इस पे बेचेगा तो उसको इतना परसेंट होगा, 96 का कितना 75/4%, परसेंटेज का मतलब क्या होता है डिवाइड बाई 100, 25 × 75, 25 × 100, 4 × 16, 16 × 6 = 96, यानी कितना 18 रुपया का क्या होता फायदा, 18 रुपया का फायदा ऐड करूं तो कितना हो गया 4 × 9 = 10, 11। ये नया SP2 है और ये क्या था SP1। अब देखिए दोनों चीज में क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन दोनों के बीच का ही तो अंतर दिया गया है, ये कितना रुपया 6 रुपया फायदा हो रहा है, तो देखो यहाँ पे यूनिट में कितने का फायदा हो रहा है 4 यूनिट का, 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 6 रुपए के बराबर है। हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 यूनिट, 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये इधर कितना हो गया 25 गुना, तो इधर भी 25 गुना कर लें, 25 × 6 कितना हो जाएगा 150 रुपया, यानी कॉस्ट प्राइस कितना था उस बुक का 150 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने का आपके पास तरीका होना चाहिए, अगर तरीका पता है तो आप क्वेश्चन कोई भी पूछे आप बना सकते हो इजी वे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम, क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 59, एन इंक्रीज ऑफ 3 रुपीज इन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टर्न लॉस इतना इंटू गेन इतना। कहा जा रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस में 3 रुपए का इंक्रीजमेंट होता है तो जो लॉस इतना परसेंट वो कन्वर्ट हो जाता है इतना परसेंट गेन में, देन द कॉस्ट प्राइस, वही लाइन मेथड, पहले लॉस कितना हो रहा है इतना का लॉस है, प्रॉफिट कितने का है 7 × 7 = 7% का क्या है प्रॉफिट है, और इसकी वजह से 3 रुपया इंक्रीज हो रहा है। मैंने बताया था मोर वर्ड कहे या लेस वर्ड कहे दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है 7 × 7 = 14 और 1 = 15, 15% की वैल्यू किसके बराबर है 3 रुपीज के बराबर है, और हमें कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है 100% की वैल्यू क्या होगी, बस ये क्वेश्चन कहा था 15% की वैल्यू क्या है 3 रुपए के बराबर है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/15, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 × 3/15, 3 × 5, 5 × 20, यानी कि वो किसके बराबर है 20 रुपए के, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 20। एक तो ये तरीका है, दूसरा और तरीका से भी आप कर सकते हो, ये तो रहा परसेंटेज मेथड, इसको हम देखिए और भी तरीके से हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से, सबसे पहले 7 × 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू जाने तो फ्रैक्शन वैल्यू 7 × 2 = 14, 15/2 परसेंटेज का मतलब क्या 100, 5 × 15, 5 × 20, यानी कितना फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 3/40, तो जो नीचे वाला टर्म है उसको हम सीपी मान लेते हैं, तो सीपी मान लेते हैं लेट सपोज 40 यूनिट है, पहले बार में क्या हुआ, पहले बार में हो रहा है उसको लॉस इतने का, तो लॉस कितना है 3/40, यही फ्रैक्शन में निकाले हैं 3/40, यानी 3 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी बेचा कितने में 37 में। दूसरे बार क्या हो रहा है, वही चीज 40 × 3/40, लेकिन इस केस में क्या 3 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, सेम था ना वो, तो 43, और दोनों के बीच का अंतर देखो, दोनों के ये कितने का कितना इंक्रीज हुआ यहाँ से 37 से 43, या दोनों के बीच का अंतर, दोनों का मतलब सेम हो गया, यानी कितना हो गया 7, 6 यूनिट की वैल्यू
किसके बराबर है, 3 रुपए के, क्योंकि ये SP1 और SP2 या SP2 या SP1 दोनों में से किसी का ले सकते हो। मोर और लेस का मतलब है दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस। तो एक यूनिट की वैल्यू 3/6 यूनिट, 6 रुपए। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस 40 यूनिट है, 40 यूनिट की वैल्यू 40 × 3/6, दो से कितना हो गया 20, यानी 20 रुपया था। तो आप इस तरह से भी जा सकते हो, इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सा मेथड कंफर्टेबल फील करा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहा जा रहा है, ए बिजनेसमैन सेल ए कमोडिटी ऑफ 10% प्रॉफिट, हैड ही बॉट 10% लेस एंड सोल्ड 2 रुपीज लेस, देन ही वुड गेन इतना परसेंट, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ कमोडिटी। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, देखिए मान लेते हैं सीपी क्या था 100 यूनिट, पहली बार में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी प्रॉफिट 10% का मतलब क्या, 100 का 10% 10 रुपए, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ रहा होगा 110। अब आगे बढ़ते हैं, इफ ही हैड बॉट 10% लेस, अगर वो 10% कम में खरीदा होता, यानी 100 का 10% यानी 10 रुपया कम में खरीदा होता, यानी खरीदा कितना होता 90 यूनिट में, और बेचा होता प्रॉफिट किस पे, इस पे, तो पहले हमें इसकी वैल्यू पता होना चाहिए। सो 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है 1/6 फ्रैक्शन में, अगर आपने परसेंटेज देखा होगा तब आपको पता होगा 1/6, यानी कि 90 का, अगर मैं 90 का 1/6 निकालूं तो 15 रुपए, 15 रुपए का फायदा हो रहा है, यानी 90 और प्लस 15 कितना हो गया 5, 9, 1, 10, 105। ये क्या है नया सेलिंग प्राइस, और दोनों अगर नया सेलिंग प्राइस और दोनों के अगर बेचने का गैप कितना है 2 रुपया, लेस कहे या मोर कहे दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 5 यूनिट का, और वो क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है का है 2 रुपए के बराबर, और हमसे पूछा क्या गया कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 यूनिट, 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए क्वेश्चन मार्क, ये इधर कितना हो गया 20 गुना, तो इधर भी 20 गुना कर लूं, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 40 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने क्या किया 10 क्वेश्चन देखे, डिफरेंट डिफरेंट वाइज से, कोई भी फॉर्मूले की यूज नहीं किए हमने, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऑल अर्थमेटिक टॉपिक्स में आप विदाउट एनी फॉर्मूला जा सकते हो अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो, ठीक है। चलिए मेरे 2 कोर्स रनिंग चल रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, ये है रीजनिंग पेड कोर्स दोनों है, इसकी कॉस्ट है 300 रुपीज, ये लाइफ टाइम तक आप यूज कर सकते हो, इसकी कोई वैलिडिटी ऐसी नहीं कि 3 महीने के बाद आप नहीं यूज कर सकते या 6 मंथ के बाद, यू कैन यूज लाइफ टाइम। और ये इस तरह से डिजाइन किया हो, चाहे सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस की, सारे एग्जाम को कवर्ड कर देगा। 100+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों सेक्शन कंप्लीट कराए गए हैं, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा एंड पीडीएफ प्रैक्टिस सेशन भी, ठीक है। और एक स्पेशल कोर्स चल रहा है, वो है जीएस कोर्स, जनरल साइंस स्पेशल कोर्स, इसकी कॉस्ट है 499 रुपीज, और ये भी आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो। इसमें 150+ वीडियो लेक्चर्स में ये कोर्स कंप्लीट होगा, यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों टॉपिक्स आपको डिटेल्स के साथ कराए जा रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, और प्रैक्टिस क्वेश्चन 1999 से 2017 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए सारे कवर्ड कराए जा रहे हैं। और ये भी कोर्स क्या है, दोनों कोर्स हमारे बाइलिंगुअल हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे आपको। अब बात आती है जो लोग एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका जीएस सेक्शन कमजोर है, तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, डेफिनेटली उनको पूरे के पूरे क्वेश्चन बनने की प्रैक्टिस हो जाएगी और उनको समझ में भी आएगा कि साइंस क्या होता है, ठीक है। अब बात आती है कैसे बाई कर सकते हैं इस कोर्स को, तो ये मेरा दिया गया पेटीएम नंबर, आप पेटीएम ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो। सेकेंड, आप गूगल पे ऐप्स या गूगल पे ऐप्स, इसी को नाम चेंज हो गया अभी है, तो आप उसके थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा गूगल पे नंबर दिया गया है। थर्ड, फोन पे ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा फोन पे ऐप्स नंबर दिया गया है। अब बात आती है कि कुछ लोगों को और भी प्रॉब्लम होती है, तो वह यहाँ पे अकाउंट नंबर SBI का मेंशन है, आप अकाउंट नंबर के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि आपने कोर्स बाय कर लिया, आपको कोर्स मिलेगा कैसे, तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पहले आपको क्या करना होगा, पे स्लिप की स्क्रीनशॉट आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, उसके बाद आपने जिस कोर्स के लिए आप किए हो आपको उस कोर्स का लिंक मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और आप सारे चीजों को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो का भी टारगेट देखिए 500 लाइक है, और आपका देखिए पिछले वीडियो पे रिस्पांस अच्छा नहीं आया, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ही, अगर आप चाहते हो कि अपकमिंग मोर सेशन ऐसे ही आते रहे तो। और जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं है, तो ऑलरेडी मैं हमेशा बताता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो।
तो अगेन आपको एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जितने ज़्यादा में आप शेयर कीजिएगा जितने ज़्यादा लोगों के पास, उतनी ही आपको वीडियो टाइमली मिला करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।